भगवान जी ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या करेंगे हम लोग। अरे मिल जाएगी पागल, कहीं नहीं जाएगी वो। इतना टेंशन आ गया था मुझे, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ होते हैं, हमेशा के लिए दाग लग जाएगा एक मेरे ऊपर, और वहाँ मेरे और उसके अलावा तो कोई और था ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी समय हुआ है 10:30 और हमारी मॉर्निंग बहुत ही बुरी हुई है। मतलब हम लोगों ने खाना बनाया और रेडी ही होने जा रहे थे, आयुषी रेडी हुई और उसने देखा कि गले में चेन तो है ही नहीं, उसकी चेन पता नहीं कहाँ चली गई, जबकि नाइट में उसने वीडियो वगैरह शूट किए थे ना तो उसमें थी, फिर वो नाइट में सोई, जब से चेन ही नहीं मिल रही, तो रूम के अलावा कहाँ जा सकती है, इतना ढूंढ रहे हैं हम बट मिली नहीं रही। बिस्तर निकाल दिए, कपड़े जो भी गए थे वो भी निकाल के देख लिए बट नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी उसने, क्योंकि रखी तो नहीं, पहनी हुई थी वो। देखो सारे कपड़े वपड़े सब फेंक दिए पर मिल ही नहीं रही। आयुषी ऊपर गई है, उसने कपड़े वॉश किए, वहाँ देख लो नहीं मिले ना, यहाँ तो मैं देख गई थी कपड़ों में है ही नहीं, और कपड़े उतने बड़े बड़े थोड़े ना, एक उसमें अटक जाएगी वो, खत्म। अरे तो याद कर एक बार कि कहाँ गई थी तू, और कहीं भी नहीं गई। किसका उधर, और इसको खोल के भी देख लेते, हो सकता है इसके ये छेद में से चली गई हो अंदर, और इसको जा उधर देख, तो उधर सोई थी ना, तो टेडी को हटा के देख। पर गिरेगी तो नहीं गिरेगी, इसमें जगह थोड़ी ना जाने की, वही तो जगह उधर भी नहीं है और उधर भी पे के पूरी दीवार से भी चिपका हुआ है। 2000 years later आयुषी को चैन तो मिली नहीं और हमारा टाइम हो गया, अब हम शॉप पे जाते हैं, शाम को आके फिर ढूंढेंगे। ऐसा तो बिस्तर पेटी के अंदर गिरी नहीं होगी बट एक बार देख लेंगे, क्योंकि रूम से तो और कहीं जा ही नहीं सकती, वो कहाँ जा सकती है। लेडबोथ की बात है कि लेडबोथ में गई तो फिर गई, वरना बिस्तर में तो जा ही नहीं सकती कहीं से कहीं तक, क्योंकि गैप ही नहीं है, पूरा पैक है। रो रही तू? अरे मिल जाएगी पागल, कहीं नहीं जाएगी वो, देख रूम से तो कहीं नहीं जाएगी आयुषा। हाँ अगर तू टॉयलेट गई हो और वहाँ पे गिर गई हो उसका कुछ नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि नाइट में तो लाइट वगैरह चालू करते ही नहीं पानी डाल देते हैं सडनली, तो फिर उसका नहीं कुछ कर सकते, बाकी यहाँ से तो कहीं नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी। चल शाम को अपन एक बार और देखेंगे, इतना टेंशन मत ले। हम लोग आ चुके हैं शोरूम और ये जा चुकी है सदमे में, आज वो जब से बस फोन चला रही है और कुछ नहीं बोल रही है, टेंशन लेने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है। शाम को जाकर हम लोग फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि घर से कहीं भी चीज़ कहीं जा नहीं सकती है। हेयरफॉल देखो कितना हो रहा है मुझे, बहुत होता है। तो गाइस फाइनली आयुषी की चेन मिल चुकी है, पता है वो कहाँ निकली, उसके कपड़ों के अंदर। अच्छा, इतना कहा कि थोड़ा शांति दिमाग से सोच कि तू कहाँ कहाँ गई थी, हो सकता है वॉशरूम में गिर गई हो सकता है कपड़ों में, तो नहीं ध्यान दिया उसने, बस मुंह बना के बैठ गई। तो मुंह बनाने से कुछ नहीं होता है, चीजें मिलती है क्या, कुछ भी नॉर्मल तरीके से सोचना चाहिए। मैंने दीदी को कहा, फिर दीदी ने भी उसे यही कहा कि एक बार कपड़ों में देख, कपड़ों में अटकी होगी, इतनी बड़ी चेन है वो कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा बिस्तर वगैरह भी देख लिया, इतना सा तो रूम में कहाँ जाएगी, फिर कपड़ों में फिर से देखा तो कपड़ों में ही निकली, इतनी केयरलेस लड़की है वो। मुझे तो पता है हमेशा के लिए पछतावा ही हो जाता अगर वो कहीं गिरा देती बाहर जाके, कपड़ों में से तो वो गिर जाती चलती फिरती, तो हमेशा के लिए मेरे मन में रह जाता कि यार मेरे घर पर वो आई और उसकी चेन घूमी, के मन में कहीं ऐसा ना हो कि घर से कहाँ जा सकती, और वहाँ मेरे और उसके अलावा तो कोई और था ही नहीं। इतना टेंशन आ गया था मुझे कि उसकी चेन मिली जानी चाहिए, बट मेरे पापा हमेशा मेरे साथ होते हैं, मैंने उनसे कहा ही था कि पापा हमेशा के लिए लग जाएगा एक मेरे ऊपर, क्योंकि उसके घर भी वो बोलेगी तो यही बात होगी। मैं दीदी के घर गई थी तो नाइट तक तो चेन थी, उसके बाद मिली ही नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे चेन को लेकर। वैसे मुझे पता ही था कि उसके कपड़ों में या फिर इसने कहीं रखी है, क्योंकि उसको किसी चीज़ की परवाह तो रहती ही नहीं है, तो वो इसलिए मैं इतना नॉर्मल भी थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मिली जाएगी,
अभी नहीं याद करेगी तो बाद में। यहाँ आने के बाद भी मैंने उसको कहा शांति से बैठ और सोच कि तूने कहाँ रख सकती है, कहाँ जा सकती है, तो नहीं आराम से आई, ना मुझसे बात करे ना किसी से बात करे, बस फ़ोन चला रही है। तो अपना दिमाग एक जगह रखो ना स्थिर, तो मिलेगी वो। ऐसी है वो, किसी की सुनती नहीं है कुछ भी। अच्छा बब्बा, थैंक गॉड मिल गई, बहुत ज़्यादा शांति, उससे ज़्यादा शांति मुझे हुई उसकी चेन मिल गई, वरना मुझे क्रेजी से भी बहुत डांट सुनने को मिलती। बट मैं भी क्या करूँ यार, उसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो पक्का यही लग रहा था कि टॉयलेट में गई होगी ये, और वो उसकी कड़ी कड़ी वाली है ना, तो कड़ी निकल जाती है तो वो गिर गई होगी, और इतनी तो उसको वो रहती ही नहीं कि चेन निकली है। हमें तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लगता है ना बॉडी से टच होके अगर चेन गिरती तो, बट इसको तो मैंने सोचा लगेगा ही नहीं, तो अगर वो टॉयलेट में गई होगी तो पानी वगैरह डाल दिया हो, वो बह गई होगी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। भगवान जी ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर तो मिलती ही नहीं ना, और उसको तो यही लगता कि कहाँ जा सकती है। चलो छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मिल गई वो अच्छी बात है। वैसे गोल्ड का घूमना भी अच्छी बात नहीं है, और ना ही गोल्ड मिलना अच्छी बात है, बहुत बुरी चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हो गया। तो अभी तो मैं बैठी हूँ, हो गई है क्लास, और ऐसा नहीं है कि अभी मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, मैं उसके सामने भी उसको बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ। उसमें मैच्योरिटी नहीं है, जिस हिसाब से उसकी एज है ना, एज में उसको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख सकें, है ना। अभी कुछ समय बाद शादी हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। आज के लेट का ज्ञान काफ़ी था, बाकी का कल दूंगी। मेरी बातों का ज़्यादा नोट मत किया करो, है ना, मैं ऐसी हूँ। यार ये कितनी ऑसम है यार। मुझे ना एक बार फिर भूख लग गई, क्योंकि मैंने खिचड़ी खाई थी सिर्फ, तो अब मुझे कुछ खाना है, बट क्या खाऊं यही समझ में नहीं आता कि क्या खाऊं, भूख लग रही है बहुत जोर से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, कुछ समझ नहीं आया क्या खाना है, इसलिए अब मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी घर जाके। आरोही का कॉल आया था तो उसने बुलाया है, वहाँ जाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह सारा भिगा दिया है, तो वो वॉश करूंगी। मेरे को जाना पड़ेगा, देन जाऊंगी आरोही के पास, देखती हूँ क्या बनाया है उसने, क्योंकि अगर उनको मैंने सुबह से भिगाए हैं तो कल भी मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाऊंगी शॉप पर, तो धुलना ही नहीं हो पाएगा, इसलिए सोच रही हूँ कि धोते हुए ही चली जाऊंगी। देखती हूँ टाइम कितना बचता है, वैसे कर लूंगी जो भी होगा। चलो तो हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, जाते हैं अब घर, लाइट बंद कर दो, बहुत लेट हो गया। ये आ चुके हैं और अभी तो शायद ही हो गए कपड़े ले, अरोही तो शायद है नहीं, उसकी दीदी के साथ गए हैं, और मम्मी की साड़ी आती ना पिको फॉल के लिए वहीं रख दी थी, वो भी नहीं लेकर आए थे। तो आरोही बोले कि दीदी दाल बाटी बनाने की इच्छा है, मैंने उसको बोला था कि तू दाल रख देना, बाटी भी रख देना, मैं आके सेक लूँगी। एक सा ताला है उसका, देखो ये अलग है, ये अलग है, मस्त लग जाता, किसी को खोलना हो तो खोल दो। दाल वाल बाटी वाटी सब उबाल के चली गई है, बस सेक लेते हैं। चलो कंडे की बाटी खानी है। शाबाश बेटा, देखेंगे इधर कंडे। इतने कड़क है टूटे नहीं, तो ट्रिक से तोड़ना पड़ेगा। देखो मम्मी ने बनाए हैं कंडे, तो मेरा कोई कपल थोड़ी ना है कि मैं उसको दूंगी, ये मैं दोनों पहनूंगी। देखो भाई वो तो ठीक है, बाकी ये क्या अच्छे लगते। देखो भाई ये मैंने बुलवाया है, अब मेरा कोई कपल तो है नहीं कि उसको एक दू तो मैं दोनों पहनूंगी, क्या दिक्कत है इसमें। हो गई माफ कर दे, चलो किया माफ, जल जाएंगे ना ये। वैसे तो सूखे रहने वाला नहीं था ना, तो मैंने सोचा खुद ही बुलवा लेते हैं, यार क्या करूँ, शौक पूरा करना है। बोल रही हूँ, कोई है नहीं देने वाला, तो मैं तो सेल्फ लगा रही हूँ ना, तो फिर मैं खुद ही मंगवा के पहन ली।
करें तो वैसे भी लड़ाई हो जाती है। मैं बोलती ब्लैक मेरे को चाहिए और बोलता ब्लैक मेरे को चाहिए, क्योंकि ब्लैक तो फेवरेट रहता है सबका। किसी और एड्रेस पे चढ़ाते हैं। करनी पड़ी रहो जिंदगी में। टंकी बंद है क्या? तेज पत्ते और ये बना लेते हैं। सेकना बाटे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे। इसको करा एक काम रुक जा बे। क्या हो रहा है ये? अच्छे से सेकता है ना? मैडम मैं दाढ़ की बस पैसा काटी ले आऊंगा। हो गया मैडम, एक एक बाटी दे दूंगी, सेक तो लो। बाटियां मैंने बनाई है। अच्छा आप तो मलना मत, तो आप आपको मलना मत, दाल भले दाल का मल सकते हो, दाल मैंने बनाई है, मलना मत। अब हम मैं बोलना मत, अब हम सोचेंगे कि आपको खिलाना है कि नहीं, कि क्या करना है अंधेरा। देखो खिलाना है, वीडियो मैंने बनाया तो देख ले वीडियो, ले ले तेरा वीडियो, हमको चाहिए और बना लेंगे हम। क्यों नहीं? हाँ। दाल में पानी मैंने डाला। ले ले पानी, पानी हमको चाहिए नहीं। पानी पानी का हम क्या करेंगे? मैं पानी पानी हो गई, ये तो हम भूल ही गए थे। क्या तू कटोरा? हमारी बाटी हो चुकी, मतलब खाने में दे रहे। अब लगाएंगे देसी घी। देसी राज है वो, राज तेरे भाभी जी निकाल रहे हैं। देसी जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर दो अंडा ऑमलेट बना दिया मैंने फटाफट। कंप्लीट टास्क कंप्लीट, हमारा खाना रेडी है, बस चावल बनाने हैं। सचिन आ जाए फिर खाएंगे खाना, तब तक काटेंगे सलाद। सलाद में हम सिर्फ खाते प्याज और टमाटर, चलो कुछ नहीं। चलो इधर देखेंगे आरोही के ब्लाउज, आरोही सिले हुए ब्लाउज। किसी को सिलवाना होता आ जाना है ना, सिलाई कर लेती हूँ। नंबर में दे दूंगी आप। हाँ कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं शेयर कर दूंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगी है ना, शेयर कर दूंगी आप लोगों से। फटाफट फॉलो कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ये ब्लाउज डिजाइन मेरे लिए कब बनाई? सस्ते में भी सिल देगी। हाँ, बहुत सस्ते में और अच्छे में। मेरे उनको चलो एक ऑफर है आप लोगों के लिए, कुछ भी सिलवाना हो तो कांटेक्ट करें। कुंदा नगर न्यू लवकुश विहार है ना, पानी की टंकी के पास, आरोही अकोले, आरोही अकोले कांटेक्ट करें। दाल रखी।